होता है वो इलॉन्गेटेड होता है। 6 टू 15 पेयर गिल स्लीट प्रेजेंट होता है जो किसके लिए होता है, फॉर रिस्पायरेशन के लिए। किसके लिए होता है? रिस्पायरेशन के लिए। ये मेराइन होता है, इसका जो माउथ होगा वो सर्कुलर और सकिंग टाइप होगा, सकिंग टाइप। इसका जो बॉडी होगा वो डिवाइड ऑफ स्केल होगा, यानी इसके बॉडी में कोई स्केल प्रेजेंट नहीं होगा, डिवाइड ऑफ स्केल होगा। इसका जो फिन होगा वो पेयर्ड फिन नहीं होगा, जैसे कि फिश में है कि अगर इधर ऐसा फिन है फिर इधर भी ऐसा फिन होता है, ये इसमें पेयर्ड फिन नहीं होगा। ये चूंकि यहाँ पे मेराइन होता है तो इसको मेराइन ही होना चाहिए, है ना। तो इसका क्या चाहिए, साइक्लोस्टोमाटा और एक्टोपैरासाइट और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ साइक्लोस्टोमाटा और एक्टोपैरासाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक्टोपैरासाइट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इट इज फाउंड इन मराइन एनवायरमेंट, मराइन वाटर। देयर बॉडी इज इलॉन्गेटेड, 6 टू 15 पेयर गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट व्हिच इज फॉर रिस्पायरेशन। माउथ आर सर्कुलर एंड सकिंग टाइप, no plec, no any scales are present in their body, so their body is devoid of scales. इसके body में कोई भी scale present नहीं होता है, ठीक है। इसका जो circulatory system होगा वो closed type होगा, circulatory system कैसा होगा इसका, closed type circulatory system होगा, ठीक है। And it is marine, but their larva are fresh water, ठीक है। तो during spawning this organism, जैसे कि इसका example क्या हो गया, PM कल बताए थे, Petromyzon और Myxin, common name तो पता बता ही थे, Petromyxin का हो गया lamprey और इसका हो गया sidefish। इधर जो फिन है ये कॉडल फिन है यहाँ पे, तो ये इधर भी होना चाहिए बराबर में, लेकिन इसका बराबर फिन नहीं होता है। तो इस तरह का ये साइक्लोस्टोमाटा का स्ट्रक्चर होता है, पेट्रोमाइजन का स्ट्रक्चर होता है। तो पेट्रोमाइजन और ये है, तो ये जब इसका स्पॉइंग का सीजन, ये स्पॉइंग का मतलब हुआ रिप्रोडक्शन, यानी जब ये यंग वन देने का कंडीशन होगा तो उस समय यानी स्पॉइंग के दौरान ये मेराइन में है अभी, ठीक है। ये मेराइन से जब इसका स्पॉइंग सीजन आएगा तो आएगा फ्रेश वाटर, कहाँ आएगा, फ्रेश वाटर में। अब फ्रेश वाटर में ये स्पॉइंग दिया, ये स्पॉइंग दिया, मान लो ये इस तरह से जो है लार्वा प्रोड्यूस हुआ, इस तरह से ये लार्वा बना, ठीक है। अब ये लार्वा का जैसे ही ये इसको जन्म दे दिया, यंग वन यहाँ जन्म दे दिया, जैसे ही कुछ दिनों के बाद ये क्या होगा, डाई बन जाएगा, यहाँ फ्रेश वाटर में ये मर जाएगा, ठीक है। और क्यों मरेगा ये भी बताएंगे, ये मर जाएगा और मरने के बाद क्या होगा, अब इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा लार्वा में, लार्वा मेटामॉर्फोसिस होगा तो ये एडल्ट बनेगा, और जैसे ही ये एडल्ट बनेगा तो ये मेराइन वाटर में आ जाएगा। ये इसलिए डेथ कर जाएगा क्योंकि इसको रहने का आदत किस में है, मेराइन में है, मेराइन में है, तो यहाँ पे मेराइन में रहने का आदत, और ये आ जाएगा फ्रेश वाटर में, कुछ दिनों तक तो सर्वाइव कर सकेगा, स्पॉइंग करने के बाद ये डेथ कर जाता है, ठीक है। ये जो हुआ कि ड्यूरिंग स्पॉइंग दे गोज इनटू द ब्रेस्ट वाटर एंड
after spawning within some days they become die and metamorphosis occurs in larva and resulting it convert into adult and it return into ocean yani marine environment. Okay, their example is PM Petromyzon, common name is lamprey, mixing common name is hagfish. These are the cyclostomata structure and where it found marine environment. तो ये हो गया साइक्लोस्टोमा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है? नहीं है। वर्टिब्रा एंड क्रेनियम और कार्टिलेजिनस। वर्टिब्रा और क्रेनियम जो होता है वो कार्टिलेजिनस से बना होता है। कार्टिलेजिनस